तो बेटे शुरू करते हैं लिनियर इनइक्वालिटी का जो आर्यश अग्रवाल वाले सवाल, ठीक है, लिनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ओके, अच्छे रेड अच्छा नहीं लग रहा, येलो कर देते हैं। हाँ, तो बेटे पहला सवाल है कि सॉल्व दे रखा है कि 2x-3 लेस देन x+2 लेस देन और इक्वल टू 3x+5। अब देखो बेटे ये एक डबल इन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो इन इक्वेशन को जोड़ा गया है, राइट, दो इन इक्वेशन को हम जोड़े हैं, दो दो इन इक्वेशन को, तो इसीलिए हम इसको डबल इन इक्वेशन बोल रहे हैं। तो एक्चुअली डबल इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करना और दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना। फिलहाल देखो बेटे मैं आपको बोला था कि जब बीच में कॉन्स्टेंट रहता है, सॉरी, अगर बीच में एक्स रहता है, हाँ, इन बिटवीन, ये वाला अगर एक्स टर्म है और राइट एंड लेफ्ट अगर दोनों में कॉन्स्टेंट्स हो, तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना, मतलब स्प्लिट ना करके डायरेक्ट करते जाना। लेकिन ये सिचुएशन में जब लेफ्ट या फिर राइट या फिर दोनों में एक्स वाले टर्म आ गए, देखो एक्स वाले टर्म आ गए, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट करके करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटे, 2x-3, अरे समझ गए यहाँ तक बेटे? सर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, इसीलिए हाँ, यस, 3/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5 और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड में ले आते हैं। तो एक्स को जब इस साइड में ले गए तो 2x-x एक्स हो जाएगा, और -3 को इस साइड में ले आएंगे तो -3 + 3 हो जाएगा इस साइड में आके, और 2 के साथ ऐड होके 5 हो जाएगा। एंड इसका सॉल्यूशन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, इसलिए एंड लगा रहे हैं, एंड। तो बेटे इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर ये 3x को इस साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा, -2x लेस देन और इक्वल टू 2 को अगर इस साइड में ले आए तो 5-2 = 3। अच्छा, दैट इज x इज लेस देन 5। एंड बेटे देखो हमें लेफ्ट में x को अकेला करना है, और इसलिए दोनों साइड में -2 डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन -2 एक नेगेटिव नंबर है, डिवाइडिंग -2 नेगेटिव नंबर है, और जब इनइक्वालिटी में दोनों साइड में नेगेटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो बीच वाले इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। और 3/-2 मतलब क्या है, -3/2, अरे समझ गए बेटे यहाँ तक? यस सर। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे कि x शुड बी लेस देन 5 एंड x should be greater than or equal to -3/5। तो इसको जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं कि -3/2 less than or equal to x less than 5। जो x जो रियल नंबर है उसका वैल्यू अगर -3/2 या फिर उससे ज्यादा एंड 5 से कम रहेगा, तभी जाकर ये जो डबल इन इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब बेटे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी बुक में आप ऐसा चीज़ देखोगे तो आप ये चीज़ का मतलब समझ लो। ओके, तो मैं इसका नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ, नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करना है, एक जगह -∞ दूसरी जगह इन्फिनिटी, बीच में ये दोनों लिखना है, -3/2 आगे आएगा और 5 पीछे आएगा, उसके बाद आएगा। तो -3/2 एंड 5 के बीच में पहले सारे जितने रियल नंबर सब एक्स का वैल्यू हो सकते हैं, -3/2 भी एक्स -3/2 के साथ इक्वल भी हो सकता है, इसलिए उसको डार्केन करेंगे। लेकिन एक्स 5 के साथ इक्वल नहीं होगा, उससे छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसमें होल करेंगे। तो फाइनली इसका क्या मतलब है कि -3/5 एंड उससे बड़ा जितने रियल नंबर, -3/2 एंड उससे बड़ा रियल नंबर अप टू लेस देन 5, जितने सारे रियल नंबर सब इसके सॉल्यूशन है। तो अगर मैं ये सारे सॉल्यूशन को, हाँ, इनफाइनाइट रियल नंबर्स को
ला के एक बड़ा सा सेट के अंदर रख दूं, हाँ, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट, राइट। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसा होता है, सॉल्यूशन सेट। और बेटा देखो इसका जो सॉल्यूशन सेट, इसको हम रोस्टर में नहीं लिख सकते, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, माइनस थ्री बाई टू से फाइव, और फाइव में ओपन ब्रैकेट देंगे और थ्री बाई क्लोज ब्रैकेट देंगे, बिकॉज माइनस थ्री बाई टू इसका एलिमेंट है, फाइव इसका एलिमेंट नहीं है, और इन बिटवीन इन्फाइनाइट रियल नंबर सब इसका सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट है, राइट। दिस इज अ सेट, रिमेंबर रिमेंबर दिस इज अ सेट, रिकोगनाइज करना सीखो, ये एक सेट है। अच्छा ठीक, सॉल्यूशन सेट बोला आता है। अब देखो सॉल्यूशन सेट बनाना आपको कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर एग्जाम में पूछा है तो बना लिख सकते हो, नहीं पूछा है तो नहीं लिख सकते हो, आप डायरेक्ट इतना लिख के भी और नंबर लाइन करके भी रोक सकते हो, या फिर अगर इतना बस पूछा है इतना लिख सकते हो सॉल्यूशन, इतना तक आपका अगर आंसर आ गया है और नंबर लाइन पूछा नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, पहला बात है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन सेट बनाना आपको कम मतलब प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब ये गया, अच्छा और मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि किसी किसी बुक में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो आपको समझना होगा क्या ये क्या लिखा गया है, हाँ ठीक है। इसको लिखा जाता है अल्टरनेटिवली, किसी किसी बुक में क्या लिखा जाता है, वो लिखता है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू एंड x इज लेस देन फाइव, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया था। अभी देखो बेटे इधर हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल के आए हैं, ये जो ऑब्वियसली भाई डबल इनइक्वेशन, मतलब दो इनइक्वेशन, दो इनइक्वेशन का दो सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन एक ये सॉल्यूशन, और बीच में एंड लगा है, और मैं फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा, सॉरी फर्स्ट ईयर तो आपको अभी भी है, सेट में मैंने पढ़ाया था एंड का मतलब क्या होता है बेटे, इंटरसेक्शन, याद है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यस सर, और का मतलब यूनियन, और एंड का मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों है, क्योंकि हमें ये दोनों सॉल्यूशन में जितने जो जो सॉल्यूशन कॉमन है वो चाहिए, जो जो सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है वो चाहिए। अगर हम नंबर लाइन बनाएं, आप देख सकते हो एक्चुअली ये इतना इजी है कि इसका नंबर लाइन दो सेपरेट करके वो इंटरसेक्ट करके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना इजी सवाल है, डिफ़िकल्ट सवाल होता तो अलग बात होता, ये सवाल बहुत इजी है। फिलहाल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अगर दोनों सॉल्यूशन के हम नंबर लाइन बनाएं, एक माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस थ्री बाई टू फाइव, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस थ्री बाई टू फाइव, तो बोल रहा है कि देखो बेटा डबल इनइक्वेशन है, दो दो इनइक्वेशन है, पहला वाला इनइक्वेशन का सॉल्यूशन आया है एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, मतलब माइनस थ्री बाई टू से आगे अप टू इन्फिनिटी, इनफैक्ट माइनस थ्री बाई टू भी इसका सॉल्यूशन है, तो ये सारे रियल नंबर माइनस थ्री बाई टू लेके आगे सारे रियल नंबर पहला का सोल्यूशन, दूसरा का सोल्यूशन है एक्स शुड बी लेस देन फाइव, मतलब दूसरा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है कि फाइव से छोटे जितने सारे रियल नंबर वो सब दूसरा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, फाइव नहीं करेगा फाइव नंबर। लेकिन डबल इनइक्वेशन है, एक सिस्टम है, मैं बार बार मतलब एम्फेसिस दे रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, सिस्टम मतलब दोनों का कॉमन सोल्यूशन, तो कॉमन सॉल्यूशन मतलब हम देखेंगे कौन सा रियल नंबर दोनों, कौन सा सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है। देखो बेटे ये वाले सॉल्यूशन सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है, ये वाले सॉल्यूशन इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन माइनस थ्री बाई टू एंड फाइव के बीच में जितने सारे सॉल्यूशन वो सब इस कॉमन है, दोनों में कॉमन है। क्या माइनस थ्री बाई टू कॉमन है दोनों में? ऑफकोर्स है, क्योंकि इसमें भी माइनस थ्री बाई टू उसका सॉल्यूशन में डाकियन है, और माइनस थ्री बाई टू सेकेंड का शेडेड रीजन में आ जाता है, तो ऑब्वियसली माइनस थ्री बाई टू इसका सॉल्यूशन होगा। तो माइनस थ्री बाई टू से लेके फाइव तक क्या फाइव इसका सॉल्यूशन है? नहीं है, क्योंकि फाइव इसमें तो है, पहला का शेडेड में शेडेड रीजन में फाइव आता है, देखो पहला का शेडेड रीजन में ये जो ऑरेंज शेडेड रीजन में फाइव आ जाता है, लेकिन दूसरे में फाइव में होल दिया गया है, दूसरे में फाइव सॉल्यूशन है, दोनों में कॉमन नहीं है फाइव। तो अगर मैं ये पूरा को दोनों मतलब तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स को ला के एक बड़ा सा सेट में रखूँ तो सेट कैसे दिखेगा? माइनस थ्री बाई टू फाइव, माइनस थ्री बाई टू इसका एलिमेंट है तो क्लोज ब्रैकेट फाइव में ओपन ब्रैकेट, तो ये इंटरवल, ये इंटरवल का मतलब है ये एक सेट है, ये रिमेंबर इंटरवल सेट होते हैं, यस सर, इसका मतलब माइनस थ्री बाई टू से लेके फाइव, यस सर, ओके, यस सर, ओके। तो बुक में कैसे लिखा गया होगा? देखो बेटे ऐसे लिखा गया होगा, इसके लिए लिखा होगा कि एक्स मतलब इसका सोल्यूशन,
इसका सॉल्यूशन वो लिखा है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, उसे लिखा होगा कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री बाई टू टू इन्फिनिटी, माइनस थ्री बाई टू से आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस माइनस थ्री बाई टू भी इसका सॉल्यूशन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट। एंड 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 एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, तो एक्स बिलोंग्स टू, बेटे फाइव से पीछे कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। यस सर। और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट, और फाइव इसका एलिमेंट नहीं है तो फाइव में ओपन ब्रैकेट, सो ओपन ब्रैकेट। तो देखो बेटा, आपको मैं आपको मैं जो सेट चैप्टर में पढ़ाया था कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग सर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस मतलब एक्स दोनों का कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, राइट? तो हम क्या लिखेंगे फाइनली इसको, इसको ऐसे लिखेंगे कि x belongs to, that implies, x belongs to minus 3 by 2 से infinity ये वाला सेट, intersection 5 से infinity ये वाला, अरे 5 से ना, सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5, ओके ओके सॉरी सर, माइनस इन्फिनिटी से दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे हम नंबर लाइन बना के देख सकते हैं, तो बना के देखें तो क्या आया है, माइनस थ्री बाई टू से फाइव तक, राइट? यस सर। तो बेटे मैं आपको ये करके क्यों दिखाया, क्योंकि बुक्स में अगर ऐसा लिखा है तो आर एस अग्रवाल में लिखा है स्पेशली, तो आप ऐसा देख के कन्फ्यूज हो जा रहे होगे, हम तो हमें तो सर ऐसा कुछ नहीं लिखवा रहे हैं, तो आई होप यू गेट माई कॉन्सेप्ट, राइट? लेकिन लेकिन एग्जाम में बेहतर होगा अगर आप सिंपल चीज़ें करो, टाइम बचाओ, एग्जाम में एफिशिएंटली करो, तो क्यों इतना करे, इतना तक करके नंबर लाइन बना के छोड़े, राइट? सिंपल काम को तो नंबर लाइन बना के छोड़े। ओके आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा कहां पर और कैसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, डन? यस सर। ठीक है, डन? यस सर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास एक डबल इनइक्वेशन दिया गया है, या फिर दो इनइक्वेशन सेपरेटली दिया गया है और बोला है कि सॉल्व दीज, सॉल्व दीज मतलब सिस्टम को सॉल्व करने का, मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। सपोज मान लो आप सॉल्व करने के बाद दोनों का, एक इनइक्वेशन का सॉल्यूशन आया एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, दूसरे का सॉल्यूशन आया एक्स इज लेस देन थ्री, और बेटे डबल इनइक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन मतलब दोनों इनइक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन फाइनली हमें निकालना है। जैसे मैं पढ़ाया था लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, तो दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन, तो बीच में एंड लिखते हैं, राइट? इसका सॉल्यूशन का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। तो एक्चुअली में आर एस अग्रवाल की जैसे पूरा मतलब सेट करके ना लिखे, इधर ही समझ में आ जाता है, मैं इधर पहले बताता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, मतलब आर एस अग्रवाल के मेथड में दिखाऊंगा। एक्स शुड बी ग्रेटर देन फाइव एंड एक्स शुड बी लेस देन थ्री, अरे भाई ऐसा कौन सा रियल नंबर होता है जो कि एक साथ थ्री से छोटा हो एंड फाइव से बड़ा हो, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो कि फाइव से बड़ा एंड थ्री से छोटा है? अगर कोई रियल नंबर 5 से बड़ा होगा तो 3 से भी बड़ा हो जाएगा, कोई रियल नंबर अगर 3 से छोटा होगा yes, तो ये तो असंभव है, तो 5 से भी छोटा हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तुम सिंपली क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5, इसका सॉल्यूशन इज एम्प्टी सेट, राइट? काम खत्म। यस सर। और इसका नंबर yes, ओके और इसका नंबर लाइन पूछेगा नहीं, अगर पूछा तो आपको बस खाली नंबर लाइन बना के मतलब लिख देना है इधर थ्री इधर फाइव, और कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ देना है, डार्केन नहीं, होल नहीं, कुछ नहीं, काम खत्म, क्योंकि इसका कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर लाइन पूछेगा नहीं इसका, डोंट वरी अबाउट इट, एम्प्टी सेट। और आर एस अग्रवाल में इसको और कैसे लिखा गया होगा, देखो बेटे वो लिखा होगा ऐसे कि एक्स बिलोंग, अच्छा हमें देखा क्या देखा, एक्स इज लेस ग्रेटर देन फाइव एंड एक्स इज लेस देन थ्री, उसने लिखा होगा ऐसे
इवन एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, अगर ये सारे फाइव से बड़े रियल नंबर को सेट में बना के रखे तो एक्स शुड बिलोंग टू ए सेट फाइव टू इन्फिनिटी, फाइव में ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट, एंड इधर एक्स शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से थ्री, हाँ थ्री से छोटा, थ्री में, यस सर। और इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एंड दिस सेट बोथ सेट, सो एक्स बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन। फाइनली फाइव, बस नंबर लाइन बना के दिखोगे कि देयर इज नो कॉमन, नंबर लाइन बना के दिखोगे। हाँ लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करके इसको लिखे अननेसेसरली, राइट? एक जगह थ्री, एक जगह फाइव, इन्फिनिटी, एक जगह माइनस इन्फिनिटी। पहला का बोला है फाइव से आगे सारे रियल नंबर, फाइव सॉल्यूशन नहीं है। पीछे बोला है थ्री से पीछे सारे रियल नंबर, थ्री सॉल्यूशन नहीं है। और देखे तो देर इज नो कॉमन सॉल्यूशन बिटवीन देम, सो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन। लेकिन अननेसेसरली आप ऐसा ना लिख के ऐसा करके भी आ जाओ, ठीक है? इतना करके नो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, काम करो। सो टेक द स्क्रीन शॉट समझने के लिए, बस बस टेक द स्क्रीन शॉट, डन? यस सर, डन। ओके आगे चलते हैं। यस सर, डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ एक सेकेंड रुको, सवाल है कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2 एंड सॉल्व दिस। तो ये भी एक डबल इन इक्वेशन है। पहले तो इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं, फिर करेंगे 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, बेटा अगर 3 एलसीएम ले जाते हैं तो जगह 3x माइनस एक्स 2x टू एक्स प्लस सेवन, ओके बेटा अगर इसको और थोड़ा साफ सुथरा बना दे, सब में थ्री मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सब में थ्री मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन मतलब मल्टीप्लाई कर देने से ये थ्री डिनोमिनेटर कट जाएगा और थ्री एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाइंग थ्री ऑन ऑल, तो करने से क्या हो जाएगा 6x माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस थ्री टू एक्स प्लस सेवन प्लस सेवन ग्रेटर देन सिक्स। अब देखो मैंने बेटे बताया था कि जब इनइक्वालिटी का बीच में एक्स टर्म एंड लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों में अगर कॉन्स्टेंट्स हो तो आप साइमल्टेनियसली कर दोगे, लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट या फिर राइट में अगर किसी में अगर आ गया एक्स वाले टर्म, देखो इसमें एक्स आ गया, देख रहे हो, खाली बीच में नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे, गेट इट? दोनों का फाइनली दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है। तो 6x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 7 एंड 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6। यस सर। तो बड़ा सिंपल सा बात है, सारे x को एक साइड में ले आओ तो 2x आके इस साइड में 6x से माइनस होके 4x हो गया, माइनस 3 आके इस साइड में आके 8 होके 7 के साथ 10 हो गया, एंड 2x ग्रेटर देन बेटे 7 आके इस साइड में आके 6 से माइनस होके माइनस 1 हो गया, एंड यस सर Yes. Finally, minus one less than x. X is greater less than 5/2. Yes. X is greater than sir 4 तरफ 4 divide कर लेते हैं तो 10/4 मतलब x is greater than 5/2. इधर हम दोनों साइड में 2 divide करते हैं, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो inequality में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस काम। तो फाइनली x का वैल्यू x का वैल्यू माइनस 1/2 से बड़ा होना है, x का वैल्यू माइनस 1/2 से बड़ा होना है एंड 5/2 से भी बड़ा होना है, मेरा बात समझ रहे हो? और इधर इधर जरा केयरफुल रहो, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है, इसका भी सॉल्यूशन लेना, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन का कॉमन सॉल्यूशन एंड लिखा है। तो मैं क्या करना है, नंबर लाइन बना के देखते हो बेटे, नंबर लाइन बना के देखो, मैं इधर माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ, ये थ्योरम था ना सर? हाँ यस, मैं बताया था फिर भी कोई भूल गया होगा, यस मैं फिर भी कोई भूल गया होगा इसीलिए बताया कि फिर से दिखाता हूँ। तो दोनों नंबर को लिख लेते हैं, माइनस 1/2 5/2, इसमें भी वही
अब देखो बेटे, एक बोल रहा है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5/2, हाँ 5/2 नहीं है इसका सोल्यूशन होल। दूसरा बोल रहा है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1/2 और -1/2 नहीं है होल। तो ऑब्वियसली सर ये, हाँ यस सर, जो आरो दिया जाता है नंबर लाइन में सर, वो कौन से केस में दिया जाता है सर? क्या क्या सर, जो बोथ साइड में जो आरो दिया जाता है सर, वो कौन से केस में दिया जाता है? हर केस में दिया जाता है, कौन से केस में? क्या नहीं नहीं कोई पर्टिकुलर केस तो नहीं है? नहीं, हमेशा आरो का मतलब होता है वो चलता जाएगा। आरो मतलब जो रे पढ़े हो ना स्कूल में, रे रे ऐसा करते हैं, रे का मतलब क्या होता है? उसका एंड पॉइंट नहीं है, चलता आता है आरो हेड। ओके सर, अब देखो बेटे दोनों का अब हम कॉमन सॉल्यूशन लेना है, राइट? आप देख सकते हो यस सर, 5/2 से बड़ा सारे रियल नंबर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन 5/2 क्या इसका कॉमन सॉल्यूशन है क्या दोनों का? नहीं, इसमें तो है 5/2, सेट डिवीजन में आता है, इसमें नहीं आता है, राइट? तो आंसर क्या होगा फाइनली? हम ये जो लिखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5/2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1/2, बट एंड का जगह और लिखोगे ना तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। याद रखो एंड के जगह और लिखे तो कितना मार्क कटेगा? 1 मार्क। जितना ओके, अगर हर स्टेप में आप अगर आप एंड के जगह और लिखे और खुश हो के आगे मेरा आंसर सही है, तो आप सोच लो कि आपका अगर 4 मार्क का सवाल है तो मैं स्टेप काउंट करके सारे स्टेप से हाफ कटेगा उस हिसाब से एंड के वजह से। ओके, तो केयरफुल लो, सेट में अगर ओपन ब्रैकेट का जगह क्लोज ब्रैकेट दे रखे हो इंटरवल में, पूरा वो काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिखे हो, सपोज मतलब ऐसा लिखे हो, ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा लिख सर में ये वाला ब्रैकेट सही है भाई, ये वाला गलत है, नहीं नहीं पूरा अंडा जीरो ये रखो। सेट लिखे हो और सेट को रोस्टर में लिखे हो और कर्ली ब्रेसेस के जगह अगर इधर ओपन ब्रेसेस दिए हो या फिर और कोई ब्रेसेस दिए हो तो अंडा जीरो, बस याद रखो, ध्यान दो इस छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दो। हाँ ओके, तो हम लिखेंगे फाइनली कि एक्स इज ग्रेटर देन 5/2 फाइनली, देयरफॉर तो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 5/2 टू शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, 5/2 से बड़ा है और 5/2 इसका सोल्यूशन नहीं है, उससे बड़ा है, इन्फिनिटी भी ओपन इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके, और डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट याद रखो बेटा, डायरेक्ट कि अगर दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन a एंड x इज ग्रेटर देन b, अगर x a से बड़ा है एंड b से भी बड़ा है, और हमें ये भी अगर गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b, अगर ये हमें दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b, तो इन दिस केस हम डायरेक्ट लिख देंगे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन इज जो बड़ा है x इज ग्रेटर देन a। मेरा मतलब समझ रहे हो कि बड़ा x इज ग्रेटर देन? यस क्लियर? यस सर। ओके, अब खुद सोच लो, मैं एक ये लिखता हूँ, देख रहे हो बेटे, ये इसको समझ रहे हो कि x a से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली x a से भी बड़ा हो जाता है। याद रखो x a से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली x a से बड़ा b से बड़ा हो जाता है। क्लियर? ध्यान दो इस चीज़ को। ओके, लेट मी इरेज इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, आई कैन। तो पता चला कहाँ पर स्प्लिट करके करना है और कहाँ पर साइमल्टेनियसली करना है? Take it. Yes, sir. Done. Okay. Yes, sir. Okay, take it. Done. Okay, take it done. Done. Okay. आगे चलते हैं। तो बेटे ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो यू हैव टू बी वेरी मच यू नो पेशेंट। अच्छा चलेगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में नहीं डाला जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फॉर एग्जाम। तो बड़े सवाल है कि 6x/4x-1 इज लेस देन 1/2 कॉमा x/2x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। और ये एक सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन दे रखा है, दो इनइक्वेशन दे रखा है और सिस्टम हुए, और इसको सॉल्व करने का मतलब हमें दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा, इसको भी फिर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लाके
हमें आंसर निकालना होगा, दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा। गेट माई पॉइंट? सिस्टम है, सिस्टम, राइट, क्लियर, ओके। यस सर। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं, उसने दे रखा है 6x बाई 4x माइनस 1 लेस देन 1 बाई 2, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटे मैंने उस दिन आरबी शर्मा से ये टाइप बताया था कि डिनोमिनेटर में x वाला, जब डिनोमिनेटर में x आ जाता है, वैसा टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए आपका एनसीईआरटी बुक में वैसा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको आरबी शर्मा मेथड में करना होगा। कैसे करना होगा बेटे, मैं बताया था कि राइट हैंड में राइट हैंड से जितने सारे कॉन्स्टेंट है सबको लेफ्ट हैंड में ले आओ, राइट हैंड में जीरो रखो, ठीक है, राइट हैंड में जीरो रखना है। तो 1/2 को अगर इस साइड में ले आया तो ये हो जाएगा 6x बाई 4x माइनस 1 माइनस 1/2 लेस देन जीरो, राइट, ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, अभी एलसीएम अप्लाई करना है, राइट, एलसीएम। तो एलसीएम अगर लगाएंगे 2 × 4x − 1 अगर एलसीएम लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 12x − 4x − 1, लेकिन बाहर एक माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, राइट, ओके। फिर अभी क्या हो गया ये कि 12x − 4x 8x + 1 डिवाइड बाय 2 × 4x − 1 लेस देन जीरो। अभी नीचे ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है उसको बेहतर होगा दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करके ये 2 से छुटकारा मिले, राइट, लेट्स मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, नहीं तो आप अंदर भी मल्टीप्लाई करते हो लेकिन अननेसरी होगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स अगर कर दिए ये आ गया। देखो 2 बेटे एक पॉजिटिव नंबर है तो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में बदलाव नहीं आने वाला, 0 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और इधर 2 मल्टीप्लाई करे 2 कट गया। अब देखो बेटे मैंने आपको बताया था यहाँ इसके बाद जब आपका राइट हैंड साइड में 0 आ गया है और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेरेटर में एक लिनियर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी एक लिनियर पॉलिनोमियल, ऐसा सिचुएशन अगर आ गया है तो आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड में न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का कोफिशियंट को पॉजिटिव रखना है। तो देखो बेटे न्यूमेरेटर में एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो भी ठीक ठाक है, राइट, तो भी ठीक ठाक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो होगा क्रिटिकल पॉइंट, मैंने बताया था, याद है ना बेटे लास्ट क्लास में, तो एक्स विल बी इक्वल टू -1, और इसको जब जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1/4, बट एग्जाम में नहीं आएगा इस वाला, हो गया। तो आपको क्या करना है उसके बाद एक नंबर लाइन बनाना है, −∞ प्लस इन्फिनिटी, दोनों नंबर को डाल देना है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को, −1/8 ऑब्वियसली आगे आएगा और 1/4 पीछे आएगा। फिर मैंने बताया था क्या करना है आपको, राइट हैंड से प्लस, पूरा राइट मोस्ट से प्लस, फिर अल्टरनेटली माइनस, फिर प्लस, ऐसा लिखना है, राइट मोस्ट में प्लस फिर अल्टरनेटली माइनस प्लस, समझ गए बेटे, क्लियर, ओके, यस सर, ओके, यस सर। और देखो बेटे आपका फाइनल ये क्या आया है कि दिस शुड बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब दिस शुड बी नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा पता है, ये वाला जहां पर माइनस लिखे हो, ये वाले सारे रियल नंबर, अरे मेरे बात समझ रहे हो ना, जहां जहां माइनस लिखे हो, तो माइनस एक जगह इधर लिखा है, ये वाले रियल नंबर इसके सॉल्यूशन है, यस सर। अब बेटे देखो, यस सर, 1/4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन, क्योंकि बेटे खुद देखो कि अगर एक्स 1/4 होगा तो 4x − 1 जीरो हो जाएगा, इसी को तो सॉल्व करके ये मिला है, राइट, एक्स अगर 1/4 होगा तो 4x − 1 जीरो हो गया, और 4x − 1 जीरो हो गया तो ये डिनोमिनेटर जीरो मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा लेफ्ट वाला, तो ये हमेशा बेटे डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसको होल्ड करोगे, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट। अब एक्स अगर −1/2 होता है, अगर एक्स −1/2 होता है तो ये न्यूमेरेटर 8x + 1 जीरो के साथ इक्वल हो जाता है, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो, राइट, लेकिन वो तो दे रखा है कि जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो के साथ इक्वल नहीं होना है, तो इसका मतलब −1/2 भी नहीं होना चाहिए, राइट, होल। तो इसका क्या सोल्यूशन निकल के आया कि एक्स शुड बिलोंग टू
माइनस वन बाई एट टू फोर, उसके बीच में जितने सारे रियल नंबर, बस माइनस वन बाई एट इसका सोल्यूशन नहीं है, फोर वन बाई सॉरी वन बाई फोर फोर लिख दिया, एंड वन बाई फोर भी इसका सोल्यूशन नहीं है, उसके बीच में सारे रियल नंबर इसका सोल्यूशन है, तो एक्स जो कि इसका सोल्यूशन है वो इसी सेट से आना चाहिए, मेरे पास समझ रहे हो। तो पहला इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया, अब हमें दूसरा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना होगा। कितनों को समझ में नहीं आया बेटा बताओ? यस सर। क्लियर? ओके ठीक है ओके। तो दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे ओके। हाँ दूसरा दूसरा क्या रखा है इनइक्वालिटी में बताओ, क्या रखा है दूसरा इनइक्वालिटी? टाइप क्या है बेटे कि लेफ्ट में एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, फिर बीच लेस देन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन जो भी होगा, और राइट में समथिंग होगा, राइट में समथिंग होगा कुछ के सम कॉन्स्टेंट होगा, ये एक टाइप है। ऐसे टाइप के सवाल में हम आर डी शर्मा में देख, ये भी देखो बेटे कि लेफ्ट में मतलब लेफ्ट में न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर लीनियर पॉलिनोमियल होने चाहिए। देखो बेटे इसका लेफ्ट में न्यूमेरेटर एक्स जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर टू एक्स प्लस वन ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसा टाइप है ये राइट। और इस केस में हमेशा हम क्या करेंगे, राइट हैंड में जीरो रखेंगे, सो राइट में जो कॉन्स्टेंट होगा उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो इधर हम 1 बाई फोर को अगर लेफ्ट में ले आए तो x बाई टू एक्स प्लस वन माइनस वन बाई फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बेटे इसको अगर हम एलसीएम ले जाएं 4 होल इन टू टू एक्स प्लस वन, तो क्या होगा 4x माइनस बेटे 1 के साथ माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस वन। तो बेटे फाइनली 4x माइनस टू एक्स आ गया आपका 2x माइनस वन बाई फोर इंटू। अब बेटे फोर को क्यों रखे इधर, फोर का क्या काम, फोर को रख निकालते हैं दोनों साइड फोर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग फोर ऑन बोथ साइड्स, अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो बेटे इस साइड में हो गया टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन, और फोर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, और फोर पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अभी स्टेप में आपको क्या करना है, ये श्योर करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है। तो देखो न्यूमरेटर में एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में एक्स का पॉजिटिव, उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स याद है ना बेटा, पढ़ा था हाँ। तो बेटा फिर से नंबर लाइन बनाओ, एक में माइनस वन बाई टू बिलोंग टू माइनस वन बाई टू कॉमा वन बाई टू क्लोज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और आपको क्या करना है बेटा प्लस माइनस प्लस, बेटे याद है प्लस माइनस प्लस। यस सर। अब देखो बेटे ये चीज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये सारे होंगे, ये सारे भी होंगे पॉजिटिव जहाँ पर लिखा है ये सारे होंगे। अब देखो बेटे डिनो अगर एक्स यस अगर एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू हो गया तो डिनोमिनेटर जो कि टू एक्स प्लस वन है वो जीरो हो जाएगा लेफ्ट में, और ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये पूरा टर्म लेफ्ट हैंड अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मैं बोला था डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे, वो वाला एक्सेप्टेड नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अगर एक्स का वैल्यू वन बाई टू होगा तो न्यूमेरेटर अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और उसने भी दे रखा है दिस इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वन बाई टू इसका सोल्यूशन होगा। तो फाइनली ये जो इन इक्वेशन है बेटा ध्यान से सुनो, केयरफुल इधर सुनो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये जो इन इक्वेशन है इसका सोल्यूशन कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, माइनस वन बाई टू से पीछे, वन बाई टू या फिर उससे आगे। अब मेरा काम ये है कि मैं ये सारे सॉल्यूशन को लेके एक बड़ा सा बैग में रख दूँ, बड़ा सा सेट में रख दूँ, तो वो होगा दूसरा वाला इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट। इसको कैसे कौन इसको एक इसको कैसे एक सेट में ला के रखें ये सारे एलिमेंट को। देखो बेटे एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं
हम ये सेट को इंटरवल में लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाई टू, ये सेट को पर्टिकुलरली माइनस वन बाई टू इसके एलिमेंट है तो होल रखा। हम ये सेट को भी इंटरवल में लिख सकते हैं सेपरेटली, और वन बाई टू इसके एलिमेंट है। और हमारा काम अब ये है बेटे, देखो ये जो दूसरा वाला इनइक्वालिटी है, दूसरा वाला इनइक्वालिटी, ये सब उसका सोल्यूशन है, ये भी उसका सोल्यूशन है, ये भी उसका सोल्यूशन है। तो हमें ये सारे सोल्यूशन को लेके एक बड़ा सा सेट में रखना है, बीच में क्या yes, रखेंगे, यूनियन कर देंगे दोनों का, राइट। तो ये हो गया दूसरे वाला इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, ये हो गया दूसरे वाला इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। लेकिन हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों फाइनली बीट वन वाला सोल्यूशन एंड बीट टू वाला सोल्यूशन दोनों में कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है, राइट। वही होगा आपका फाइनल आंसर। तो जो दोनों इनइक्वालिटी में शुरुआत में दिया था, पहला इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आया था माइनस वन बाई टू वन बाई फोर, फाइनली फाइनली ये एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, एक्स शुड बिलोंग टू माइनस वन बाई एट टू वन बाई फोर, वन बाई फोर एंड ओपन ब्रैकेट एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस थिंग, ओके, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन बाई टू यूनियन। ये पहला इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, ये दूसरा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, लेकिन सिस्टम है इसलिए दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेंगे, इसलिए मैं बीच में एंड लगाया, एंड एंड मतलब कॉमन है दोनों का कॉमन। तो हम क्या करेंगे, ये सेट को भी एक्स बिलोंग कर रहा है, ये सेट को भी एक्स बिलोंग कर रहा है, तो एक्स क्या करेगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला सेट को बिलोंग करेगा, राइट, कॉमन सोल्यूशन। तो अननेसेसरीली मैं एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन ये पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है लिख देता हूँ, कोई नहीं, सॉरी, इंटरसेक्शन ये पूरा सेट, बेटे समझ रहे हो, ये पूरा सेट, क्लियर, ये सेट और ये सेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेट है दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। अब अगर आप इधर ब्रैकेट नहीं दोगे गलत हो जाएगा ना, क्यों गलत हो जाएगा कौन बताया, क्योंकि हमें कैसे पता चला आप कौन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पहले कर रहे हो, क्या आप अगर ब्रैकेट इधर नहीं दोगे तो क्या पता चला, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करके पूरा को इसके साथ यूनियन कर रहे हो या फिर ये दोनों को यूनियन करके, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, राइट, गेट माई पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना यहाँ पर, ओके। तो उसके बाद आपको बस क्या करना है, बस नंबर लाइन बना के काम करना है, दोनों सेट का नंबर लाइन बनाओ, इसका बनाओ और इसका बनाओ और दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालो, ठीक है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, देखो मैं पहले आपको बताता हूँ, एक है माइनस इन्फिनिटी, दूसरे में प्लस इन्फिनिटी, और सारे नंबर इन्वॉल्व है उस सबको लिखो, सारे नंबर क्या क्या इन्वॉल्व है, माइनस वन बाई एट इन्वॉल्व है, वन बाई टू इन्वॉल्व है, वन बाई फोर इन्वॉल्व है, तो माइनस वन बाई एट, बेटे वन बाई फोर वन बाई टू वैसे छोटा कौन है, वन बाई फोर छोटा है, तो पहले आएगा वन बाई फोर, शायद वन बाई टू, अरे गॉट इट खत्म हुआ बेटे, हाँ हेलो, अरे हे, एक मिनट इधर माइनस वन बाई टू है ना, अरे इधर माइनस वन बाई टू है ना, मैं वन बाई टू माइनस वन, हाँ सॉरी इधर माइनस वन बाई टू है और एक है, हाँ हाँ माइनस वन बाई टू। तो बेटे देखो वन बाई एट याद रखो बेटे, वन बाई टू से छोटा है, सही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट, देख रहे हो ये छोटा है, लेकिन माइनस जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हो तो भाई इनइक्वालिटी बदल जाता है ना, तो माइनस वन बाई टू इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू पीछे रखना, मेरा बात समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, दूसरा नंबर लाइन बनाओ, यस सर, माइनस इनफिनिटी उसके नीचे, पूरा एग्जैक्ट उसके नीचे रखो, एग्जैक्ट, सॉरी ओके, तो पहला वाला इनइक्वालिटी, पहला वाला सॉल्यूशन है माइनस, मेरा पहला वाला सेट है माइनस एट टू वन बाई फोर, माइनस एट टू वन बाई फोर, और माइनस एट वन बाई एट में होल, वन बाई फोर में होल। अब दूसरे वाला सॉल्यूशन क्या है बेटे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाई टू, फिर वन बाई टू टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाई टू एंड वन बाई टू टू इन्फिनिटी, राइट, गेट इट, ठीक तो है, तो यूनियन, हाँ हाँ यस यस,
हाँ माइनस वन बाई टू इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें डार्केन करेंगे। हाँ बोलो, हाँ बोलो, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हाँ क्यों नहीं, लेकिन नंबर लाइन बना के करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ठीक से कोई गलती नहीं होता है, राइट। गिव मी वन सेकेंड, रुको जरा बेटे। समझ गए बेटे, तो नया देर देर इज नो सॉल्यूशन, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव। देखो कॉमन कुछ है क्या दोनों में, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं डाला जाएगा। सो प्लीज गुस्सा मत हो जाना सर, बोर कर दिए बेटे। बोर करने का ये नहीं है, पाठ पढ़ाई में बोर हो गए तो आप अपना नुकसान करोगे फ्यूचर में, ठीक है। सर एक डाउट है इस क्वेश्चन में। क्या डाउट है? ये जो सेकंड वाले जो नंबर लाइन किया ना, हाँ वन बाय टू और माइनस वन बाय टू, हाँ और ये वाला। अच्छा आपको एक नंबर लाइन बनाना है, एक नंबर लाइन बनाना है माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू से पीछे सारे एलिमेंट उसका सॉल्यूशन है, वन बाई टू से आगे भी सारे एलिमेंट इसका सॉल्यूशन है, तो ये सब इस उसके एक एक सेट का मतलब एक इन इक्वेशन का ये सब सॉल्यूशन है, तो इसीलिए ऐसे लिखे, राइट। माइनस वन बाई टू से लेके पीछे इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो फिर इसके क्या की तो फिर हाँ एक्स इक्वल टू वन बाय टू, हाँ लाइक ये एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू, हाँ तो फिर इंटरनेट से माइनस वन बाय टू और वन बाय टू से इंटरनेट कैसे नहीं, हाँ ओके ओके। हाँ वो वाले तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो वाले बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट वाले इवनिंग क्लास की वीडियो देख लो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, लास्ट वाले इवनिंग क्लास का वीडियो देखने ही नहीं देखे हो इसका मतलब, ठीक है। डन? यस सर डन। ओके यस सर, ठीक है डन। यस सर, ओके यस सर डन, ठीक है डन। बेटा देखो एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत तकलीफ होता है टीचर को जब आप क्लास अटेंड ना करके वही क्लास का सवाल दूसरे क्लास में पूछते हो, या उसीलिए मैं देखो बाकी सारे स्कूल में क्या करते हैं, मैथ पढ़ा देते हैं फिर चले जाते हैं, मैं तो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अब आप वीडियो भी नहीं देखोगे तो मैं घर में जाके आपको दिखाऊंगा क्या? आपके घर में आपको जबरदस्ती मुंह मतलब मुड़वा के मोबाइल में दिखा, देख देख बेटे वीडियो, देख देख वीडियो बना के दिया तब भी नहीं देखते हो, क्लास नहीं करोगे वीडियो नहीं देखोगे वही क्लास का डाउट दूसरे क्लास में पूछोगे, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। मेरे पास समझे? डोंट डू इट। ओके तो वन दो पॉइंट बताता हूँ बस, ठीक है। ठीक है मैं सोच रहा था मॉड्यूलर साथ पूरा करवा दूँ लेकिन टाइम नहीं होगा, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम चला गया। फिलहाल आप देखो बेटे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा मैं एक्स ना लेके काम करता हूँ, एक सिंबल लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा मजा आएगा, स्टार लिखता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ स्टार और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टार, वेयर द स्टार इज ए रियल नंबर, याद रखो बेटा, समझ रहे हो? ओके हेलो एडिट। हाँ तो देखो पहला पॉइंट है कि मॉड्यूलस ऑफ स्टार, स्टार जो कि एक रियल नंबर है, स्टार एक क्या है, रियल नंबर है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। सपोज हम फॉर एग्जाम्पल जब मैं हम क्या करते हैं, जब सपोज फाइव का मॉड निकाल के हम लिखते हैं, फाइव लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि नंबर लाइन में जीरो एंड फाइव के बीच में डिस्टेंस, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, अब देख सकते हो जीरो फाइव के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटे, फाइव यूनिट, चेक करो वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसीलिए उसका मॉड इज फाइव। माइनस फाइव का मॉड हम फाइव लिखते हैं तो बेटे देखो माइनस फाइव का मॉड फाइव है, मतलब माइनस फाइव से जीरो का डिस्टेंस फाइव यूनिट, याद रखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो बेटे देखो माइनस फाइव एंड जीरो के बीच में जो दूरी
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 यूनिट, चेक कर सकते हो। तो बेटा देखो एक्चुअली में मॉड्यूलस इज एक्चुअली अ डिस्टेंस, क्वांटिटी ऑफ अ डिस्टेंस, मेजर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। और डिस्टेंस एक हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस तो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव नंबर निकल के आता है। अच्छा बेटा जब हम लिखते हैं जीरो का मॉड जीरो, जीरो का मॉड जीरो, इसका क्या मतलब होता है बेटे? कि जीरो का जीरो का जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो है, राइट? जीरो का मॉड मतलब yes, जीरो का जीरो से डिस्टेंस, जो कि जीरो है। जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो है, राइट? इसलिए जीरो का मॉड जीरो आता है। ये गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखो बेटे कि जब हम किसी भी रियल नंबर का मॉड निकालते हैं, हाँ, तो पहले हम एक चीज देखते हैं इधर। सपोज आप थ्री का मॉडुलस निकालते हो, थ्री का मॉडुलस क्या होता है? थ्री। जब आप माइनस थ्री का मॉडुलस निकालते हो क्या होता है? वो भी थ्री, राइट? वो भी थ्री। अच्छा माइनस थ्री में क्या करने से वो थ्री बन जाता है? माइनस थ्री में क्या करने से वो थ्री बन जाता है? उसमें क्या माइनस मल्टीप्लाई कर देने से, राइट? अरे देख रहे हो माइनस थ्री का मॉड दिया है, तो आप अगर ये जिसका मॉड दिया है उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस थ्री का मॉड मिल जाता है, राइट? तो इससे एक बात पता चला। और देखो बेटा जीरो का मॉड तो जीरो होता है। तो देखे हम कि जिसका मॉड निकाल रहे हो, एक्स का इधर मॉड निकाल रहे हो, अगर वो नंबर जीरो या फिर जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है, देख रहे हो, जीरो या फिर जिसका मॉड निकाल रहे हो, जीरो का मॉड या फिर जीरो से बड़ा कोई नंबर का मॉड निकाल रहे हो, तो उसका आंसर वही, जो नंबर वही, जीरो का मॉड जीरो, थ्री का मॉड थ्री, वही वही का वही, मतलब एक्स का मॉड वही एक्स आएगा। मेरा बात समझे बेटे? क्लियर यहाँ तक? लेकिन जिस चीज का मॉड निकालते हो अगर वो एक नेगेटिव नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आप इधर माइनस थ्री का मॉड निकालते हो, मतलब यहाँ पर आपका एक्स क्या है बेटे? माइनस थ्री है। आपका एक्स यहाँ पर क्या है? माइनस थ्री है। तो जिस चीज का मॉड निकालते हो वो अगर नेगेटिव होगा तो मॉडुलस क्या आंसर आएगा? वो जो नंबर है उसमें बस एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नेगेटिव है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देने से पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? तो अगर एक से के नेगेटिव नंबर है, इमेजिन करो, यस सर, अगर एक से के नेगेटिव नंबर है लेकिन हमें मॉडुलस में उसका पॉजिटिव वर्सन चाहिए, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज याद रहेगा कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अब होता क्या है, जो बच्चे टीचर का पढ़ाते वक्त बात नहीं सुनते हैं, एग्जाम के टाइम पे उनको क्या कन्फ्यूजन होता है, देखो, अरे मॉड एक्स माइनस एक्स कैसे हो गया रे? मॉड एक्स तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, माइनस कहाँ से आ गया? अबे गधे, ये जो एक्स से एक्स अगर खुद नेगेटिव नंबर होगा तो माइनस उसमें मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? अरे एक्स एक वेरिएबल है, थोड़ी ना आपको पता है एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट? गेट माई पॉइंट? हेलो, ध्यान दो, बिल्कुल उसी तरह अगर कोई भी सब किसी भी चीज का, सपोज आपको मैं दूं, सपोज आपको दूं कि a माइनस बी का मॉड। अब देखो बेटे दो चीजें होता है कि अगर a b या फिर b के साथ इक्वल है या फिर उससे बड़ा है तो क्या होता है, चलो देखते हैं। जरा देखो, सपोज a का वैल्यू b के वैल्यू के साथ इक्वल, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? जीरो, राइट? उस केस में a माइनस बी का मॉड क्या हो जाएगा? उस केस में a माइनस बी का मॉड क्या हो जाएगा? जीरो का मॉड जीरो। सपोज a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि वो देखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बी ग्रेटर देन या फिर b इक्वल टू, अगर a b से बड़ा है और b को इस साइड में ले आते हो तो a माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट? दोनों साइड से अगर b माइनस कर दिए, अरे लेफ्ट में a माइनस बी, राइट में b माइनस बी जीरो हो गया, मतलब a माइनस बी इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट? a माइनस बी इज ए पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं a माइनस बी का मॉड निकालूं, a माइनस बी का मॉड निकालूं जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होगा? वही नंबर, a माइनस बी का मॉड वही है माइनस बी। अभी लिखा था ना इधर, देखो बेटा कि x का मॉड इज इक्वल टू x इफ x इज जीरो या फिर पॉजिटिव। मेरा बात समझे? गेट इट? ओके, तो इसका yes, मतलब हाँ, तो yes, इसका yes, इसका मतलब a माइनस बी का, यस, इसका मतलब yes, इसका मतलब a माइनस बी का मॉड क्या होगा अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b हुआ ना? वही a माइनस बी।
देखो अगर ए बी इक्वल हो गए तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं, राइट, जीरो हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ए माइनस बी पॉजिटिव है, तो वही आंसर आएगा। तो मैं उसको डायरेक्ट याद दिला दूंगा, डायरेक्ट याद दिला दूंगा फिलहाल। और बेटे देख, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। और अगर आपका ए अगर लेस देन बी है, अगर ए आपका बी से छोटा है, तो इमेजिन करो बेटा अगर ए बी से छोटा हो जाएगा तो ए माइनस बी जीरो से छोटा हो जाएगा, राइट, बी को इस साइड में ले आओगे। और छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा ना। तो आप अगर ए माइनस बी का मॉडुलस निकालने जाओ बेटे, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और ए माइनस बी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए ए माइनस बी में एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ए माइनस बी शुरुआत में नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये डेट यस ये लेकिन लेकिन हम लेकिन हम इसको इस इतना सब करके थोड़ी ना देखेंगे, नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम ये चीज को यूज करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। इसी को इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे देखो। सपोज आपको पूछा गया है कि ए माइनस बी का मॉड, अगर बेटे ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, वो दे रखा है इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ऑटोमेटिकली ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। Get it? Yes, sir. Okay. तो देखो बेटे, yes, sir. X का mod X का yes, sir. हाँ, yes. X का mod is equal to X if X is greater than equal to zero. जिसका mod निकाले वो अगर greater than equal to zero होगा तो उसका आंसर वही आएगा। तो A minus B greater than or equal to zero है और उसका mod निकाले तो आंसर वही A minus B आएगा, right? Clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. और अगर A less than B है, अगर A less than B है तो इसका क्या मतलब है actually? A minus B negative है। तो जरा देखो बेटे, जिसका मॉड निकाल रहे हो अगर वो चीज़ लेस देन जीरो होगा तो उसका मॉड क्या होगा, उसमें बस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स का मॉड माइनस एक्स हो जाएगा। तो इधर ए माइनस बी का मॉड निकाल रहे हो और ए माइनस बी नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे। अरे गेडी, तो डायरेक्ट आप करोगे दो तीन बार प्रैक्टिस करने के बाद। डन? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं, मेरा और भी थोड़ा काम है मुझे, ठीक है ना।